मुझे पुकारते हैं गोल कुमार ढोलकिया। कि जब से पाकिस्तान बना है उसने पहले दिन से प्रोग्रेस किया ही नहीं, और इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, मतलब रकबे के लिहाज से भी। तो मेरे ख्याल से गलत हुआ था, ये होनी ही नहीं चाहिए थी इंडिपेंडेंस। अगर हम उनके साथ होते तो आज हम भी उनके जितने कामयाब ही होते ना। अगर इंडिया बेस्ट है तो हमें इंडिया का साथ देना चाहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि वो ग्रो कर रहे हैं, और मैं तो खुश हूँ उनके लिए। और मैं तो कहती हूँ कि अगर हम उनसे अलग ना हुए तो आज हम भी उनके साथ कामयाबी में उतने ही शरीक होते। तो कीप इट अप। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो अभी तक बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो वैक्सीनेशन तो बड़ी दूर की बात है। सो अगर इधर बेसिक नीड ही पहले पूरी हो जाए तो वैक्सीन तो बाद में आती है, लेकिन अगर पाकिस्तान वैक्सीन बनाए तो दैट इज़ गुड। अपनी कंट्री के लिए फ़ायदा है, हमें दूसरी कंट्री से मांगना नहीं पड़ेगा। हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और किसी चीज़ से सीखें ना सीखें, आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, दिस सनम यूसुफ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन के हवाले से, जो इंडिया ने बनाई है, यानी ज़ाइकोव डी, जो कोविड 19 की वैक्सीन है, वो दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है। इसके अंदर ये होता है कि जो वायरस होता है उसका प्लाज्मिड लिया जाता है, उससे जो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उन मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है, उससे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाई जाती है जिसको एंटीजन कहा जाता है, वो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है इम्यून सिस्टम के तरह, इम्यून सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो उसको रिस्पॉन्स करता है, और फिर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जिसके जरिए पूरा जो मैकेनिज्म होता है इम्यून सिस्टम का वो काम करता है। और ये जो दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है ये इंडिया ने बनाई है। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से खिताब करते हुए भी ये कहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो मेडिकल की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो फिलॉसफी है सर्व परम धर्म, यानी जो सर्विस है वो हाइएस्ट रिलीजन है, उस फिलॉसफी को हम फॉलो करते हैं। उनका ये भी कहना था कि वो दुनिया भर के लोगों को इन्वाइट करते हैं कि वो इंडिया में आएँ और वैक्सीन तैयार करें। और अगर वैसे भी बात की जाए, हिस्ट्री देखी जाए मेडिसिन में, और उसमें जो इंडिया की प्रोग्रेस है या इंडिया की जो एफर्ट्स है, आप उसको बिल्कुल नहीं झुटला सकते। हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसको, और ये भी एक बहुत बड़ी एफर्ट थी। इस हवाले से आज हम लोगों से बात करने वाले हैं कि उनको इस सवाल से क्या लगता है, उनकी क्या राय है। तो ये लोगों से बात करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, किराए जानते हैं जो हालात बेसिकली पिछले एक दो साल से गुजर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि वैक्सीन लगवाना सबके लिए अच्छा है, ठीक है, कि हम अब ये देखें कि इसकी वैक्सीन अच्छी है, दूसरी वैक्सीन अच्छी है, लेकिन जो बेटर है, ठीक है, लोगों को वो लगवानी चाहिए। क्योंकि मैं कहती हूँ अपना सेल्फ हम लोगों ने खुद कवर करना है, किसी और ने नहीं करना। तो आई थिंक सो, अगर इंडिया बेस्ट है तो हमें इंडिया का साथ देना चाहिए। बेसिकली वो हमारा मुहालफीन का मुल्क ज़रूर है, लेकिन लोग तो सब एक ही हैं, आवाम सबके लिए एक ही है। तो लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कोविड का नुकसान नहीं हुआ जितना इंडिया में हुआ है, तो वो इस चीज़ को बेसिकली ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं हमसे बेहतर। तो उन्होंने जो किया बेहतर किया, तो हम लोगों को भी इस चीज़ में साथ देना चाहिए और अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो मेडिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है मेडिकल सेक्टर में, फार्मा इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है इसका क्या रीज़न हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान के लोग अब अपना भूल ही गए हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इंस्टीट्यूट बहुत कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया अगर रिसर्च में आगे जा रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। पीएम इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने कहा था एजुकेशन सेक्टर को मैं बहुत मज़ीद आगे लेके जाऊंगा, लेकिन दो तीन साल गुजर गए हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। मुझे आप ये बताएं, आप क्या आपको पता है कि दुनिया में जिन जिन कंट्रीज़ ने कोविड की वैक्सीन बनाई है उसके अंदर इंडिया भी शामिल है? हाँ, ये पता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जैसे पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जो है वो एक ही टाइम पे उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, आपको क्या लगता था एक कंट्री इतना प्रोग्रेस कर गई कि वो वैक्सीन बना रही है और हम अभी तक वहाँ पर हैं कि हम दूसरों से वैक्सीन ले रहे हैं? तो आपको क्या लगता है इस डिफरेंस की क्या वजह हो? उसकी वजह ये है कि जब से पाकिस्तान बना है उसने पहले दिन से प्रोग्रेस किया ही नहीं, और इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, मतलब रकबे के लिहाज से भी। तो मेरे ख्याल से गलत हुआ था, ये होनी ही नहीं चाहिए थी इंडिपेंडेंस। अगर हम उनके साथ होते तो आज हम भी उनके जितने कामयाब ही होते ना। तो आपको जैसे इंडिया जो है हेल्थ सेक्टर की अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस करता है इंसानी जानों को बचाने के हवाले से, और दुनिया में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इस वक्त इंडिया के पास हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है या क्या इस पर आपका रिएक्शन है? वजह यही है कि उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है, तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें लोग भी ज़्यादा हैं जो हमसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, इंटेलिजेंट हैं हमसे ज़्यादा। ये नहीं है कि पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन हमारा ज़ाहिर एरिया उनसे कम है, इस वजह से वो लोग ज़्यादा हमसे इस वजह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और थोड़ा वो अपने ऊपर फोकस भी करते हैं ना, हम लोग किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, वो गुजर रहा है उसको लाइन मार ली, उधर उसको लाइन मार ली, इसलिए।
आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस करती इन इश्यूज़ पे, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है अभी जैसे कोविड के टाइम में, वैक्सीन सबकी ज़रूरत है, तो आपको नहीं लगता इन इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए अब आके? फोकस करना चाहिए, पर हमारी गवर्नमेंट सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करती है कि हम अगले को सीट से हटा लें, खुद आ जाएं, और फिर खुद आके अपने आप को किस तरह हमने 5 साल स्टेबल रखना है, हुकूमत सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करती है। तो आज हम बात कर रहे थे दुनिया की जो पहली DNA वैक्सीन है उसके हवाले से, जिसे इंडिया ने बनाया, इस हवाले से हमने लोगों से बात की। लोगों का ये कहना था कि मेडिकल सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया उसमें बहुत तेज़ से ग्रो कर रहा है। अभी कोविड के टाइम की बात की जाए तो कोविड में समहाउ इंडिया के जो हालात थे वो काफ़ी बुरे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जाने गई हैं, तो लोगों को ये लगता है कि इंडिया इंपॉर्टेंस समझता है हेल्थ की, और वो समझता है इंसानी जानों की इंपॉर्टेंस, जिस हवाले से वो इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है अपने हेल्थ सेक्टर के अंदर। जैसे यूनाइटेड नेशन से खिताब करते हुए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ये कहना है कि जो सर्विस होती है वो एक हाईएस्ट रिलीजन होता है, और इस फिलॉसफी को इंडिया बहुत अच्छे से फॉलो करके ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना काम कर रहा है, इंसानी जानों को बचाने के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहा है। तो उनको लगता है कि जो इंडिया की ये एफर्ट है उसके साथ हम सबको खड़े होने चाहिए। तो ये लोगों के कुछ लोगों के रिव्यूज़ थे जिससे हमने आपको आगाह किया। मजीद इस बारे से लोग क्या कहते हैं, ये लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। मैं वैक्सीनेटेड हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वैक्सीनेशन करानी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने ये नोट किया है कि लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में, वो बाहर निकल रहे हैं, कोई मास्क वगैरह भी नहीं है। सो आई थिंक सो लोगों को ये होनी चाहिए नॉलेज इस बारे में, और कि वैक्सीनेशन करानी चाहिए और ये ज़रूरी है, और दैट्स इट। और अच्छा मुझे ये बताएं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, और इंडिया भी उन कंट्रीज़ में शामिल है कि जिसने वैक्सीन बनाई है COVID-19 के टाइम में, इस पे क्या कहेंगी आप? अब अगर मैं, मुझे बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं US की बात करूँ तो वहाँ पर लोगों ने स्टार्ट में वैक्सीनेशन नहीं करवाई, और आप देखें तो उधर कोविड पीक पर था, सबसे ज़्यादा पीक पर था। तो आपके सामने रिज़ल्ट है कि वैक्सीन ना कराने का क्या रिज़ल्ट है, इतनी डेथ्स हुई हैं वहाँ पे, एंड स्टिल वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही। अब ये थोड़ी सी उनके अंदर आई है ये चीज़ कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराना शुरू की और ये चीज़ कंट्रोल हो रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आई डोंट नो लोग क्यों नहीं वैक्सीन करवा रहे। कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, तो वो करवा रहे हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर देख लें, मुझे नहीं लगता मेजोरिटी ऐसे ही घूम रही है। अच्छा जैसे आपने बात की वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन बनाना, और अनफॉर्चुनेटली हम वैक्सीन बना नहीं रहे, हम मंगवा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो अभी तक बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो वैक्सीनेशन तो बड़ी दूर की बात है। सो अगर इधर बेसिक नीड ही पहले पूरी हो जाए तो वैक्सीन तो बाद में आती है, लेकिन अगर पाकिस्तान वैक्सीन बनाए तो दैट इज़ गुड, अपनी कंट्री के लिए फ़ायदा है, हमें दूसरी कंट्री से मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे आपने अभी बात की, तो फिर आपको क्या लगता है प्रायोरिटी नहीं है हमारी हेल्थ या इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट्स? देखिए ये सब हर चीज़ ही हमारी प्रायोरिटी है, हेल्थ हो जाए, एजुकेशन हो जाए, मतलब हम लोग तो उन मसलों से ही बाहर नहीं आए, बिजली पानी वाले मसलों से, अभी तक हमारी प्रायोरिटीज़ तो हैं, पर क्या करें, यहाँ कोई सुनता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं फिर। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी इंडिया को, क्योंकि वो हेल्थ सेक्टर के अंदर बड़ा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो कोई पॉजिटिव मैसेज या कुछ भी जो आप कहना चाहें? हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि वो ग्रो कर रहे हैं, और मैं तो खुश हूँ उनके लिए, और मैं तो कहती हूँ कि अगर हम उनसे अलग ना हुए तो आज हम भी उनके साथ कामयाबी में उतने ही शरीक होते, तो कीप इट अप। अच्छा मैम ये बताएं कि अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो इंडिया वो कंट्री है जो सालाना सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? डॉक्टर बेसिकली वही बात इनकी बिल्कुल सही है कि इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि स्पेशलिटी यही है इंडिया की कि डॉक्टर्स अगर इस चीज़ को मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी नहीं देख रहे, क्योंकि जितना भी कोविड गुजरा है ना उसके बीच में शायद पाकिस्तान पीछे रह गया, लेकिन और मुबालिक पीछे नहीं रहे, स्पेशली इंडिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जानी नुकसान उधर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो डॉक्टर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक सो कि इस चीज़ को मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आवाम यही है कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हम जब छोटे होते तो हम यही कहते थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो जब डॉक्टर बंदा बन जाए ना तो आई थिंक सो इंसान को फिर अपनी जान साइड पे रखनी चाहिए और हमेशा दूसरों का सोचना चाहिए। तो इंडिया इस चीज़ को फॉलो कर रहा है मेरी नज़र में, ठीक है, तो मैं तो इस चीज़ में इंडिया के साथ हूँ, बाकी हम किस चीज़ में हो ना हो, लेकिन ये वही बात आ जाती है कि ये इसमें जानी नुकसान बहुत हुए हैं, बच्चे छोटे बड़े बूढ़े, तो आई थिंक सो कि हम लोगों को इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए, हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और किसी चीज़ से सीखें ना सीखें, आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। अच्छा ये बताएं कासिम, आपको क्या लगता है कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है?
इम्पोर्टेंट तो है, सबको लगवानी चाहिए, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो अभी नज़र आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, किसी लोगों का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो गया इससे, लेकिन किसी को लाइक उनका जो इम्यून सिस्टम है वो और ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने भी जैसे लगवाई है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी एनर्जी फील होती है, और सेफ़ रहने के लिए ऐसी दुनिया में आजकल लगवानी चाहिए। तो आपका पर्सनल रिव्यू क्या है वैक्सीन के हवाले से, आप क्या समझते हैं पर्सनली कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? लगवानी चाहिए, क्योंकि अब सारे काम तो उसके बगैर नहीं हो रहे। देखें, आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, ना बैंक में ये जॉब वगैरह भी नहीं मिल सकती, ना ये वर्कर्स के लिए भी ये ज़रूरी है अभी, तो वैक्सीन अब लाजमी है। और साइंटिस्ट ने ऐसे ही तो नहीं अपना टाइम ज़ाया किया बनाने के लिए वैक्सीन, लेकिन ये वैक्सीन जल्दी बना ली, ना टेस्ट किया, क्योंकि एनिमल्स पे पहले टेस्ट होता है इन पे, तो लगभग 10 साल लग जाते हैं कोई मेडिकेशन बनाने में, और फिर उसका टेस्ट करते हैं एनिमल्स पे, लेकिन ये जल्दी आ गई, फिर भी लगा रहे हैं लोगों को। तो सर, जिन कंट्रीज़ ने वैक्सीन बनाई हैं जैसे चाइना, अमेरिका, इंडिया, इन कंट्रीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो वैक्सीन बना रहे हैं? बना रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया है, और अभी तो मुफ्त में लगा रहे हैं, लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आ रही आजकल, लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मुफ्त है और फ़ायदा भी है इसका। आगे जाके जब पैसे देने पड़ेंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा ये इम्पोर्टेंट थी कोई चीज़। तो सर, पाकिस्तान जो है वैक्सीन मंगवा रहा है दूसरी कंट्रीज से, जबकि दूसरी कंट्रीज बना भी रही हैं, चाइना, अमेरिका, इंडिया जैसी कंट्रीज, आपको क्या लगता है हमारा वैक्सीन मंगवाना ठीक है? जी, लेना देना लेने कहीं तो भिखारी जैसा कट्टे वाला लिए चला रहा झोला एकदम, खाली ला जाना था दा नहीं जाना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लोगों को फोर्स करके लगाना ये ठीक नहीं है कि आप ये नहीं लगाएंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इधर नहीं जा सकते। लोगों को बस अवेयर करें, लेकिन फोर्स नहीं करें। सर, आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस का जो कैंपेन चल रही है कोविड वैक्सीन के हवाले से, तो आप मुतमिन हैं उससे? आपको क्या लगता है लोग आते हैं वो सुनकर वैक्सीन लगवाएं? जी बिल्कुल आते हैं, जो समझते हैं इस बात को वो ज़रूर लगवाते हैं, और जैसे आपको बताया मैंने भी लगवाई है, मजबूरी है, लगवानी पड़ती है, अब क्या। सर, आप इतने नाखुश क्यों हैं वैक्सीन लगवा के? क्योंकि नाखुश तो नहीं है, लेकिन इसका कोई अभी फ़ायदा नहीं है। सेफ तो है, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है बचाने वाली। बस एक वो माइंड होता है ना, माइंड ऑफ सेट कि आपने ये लगवा ली अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मास्क तो फिर भी पहनना ही पड़ता है। साला घमंडी, एक नंबर का चोर है।